नमस्कार। काफ़ी लोग इस बात को मानते हैं कि सुबह सुबह उठकर अगर एक गिलास या ज़्यादा गर्म पानी वो पीते हैं तो इससे उनको काफ़ी फायदे होते हैं और इससे उनका पूरा दिन अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों को ये दूर करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और क्या एक्चुअल में हमें पीना चाहिए, ये फाइनल वर्डिक्ट पर आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे गर्म पानी सुबह सुबह उठ के पीने से फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदा ये है कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। यदि हम सुबह उठ के पानी पीते हैं तो मोशन के लिए अच्छा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम होता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम बेटर होता है। एक बार हमारे खाने या खाद्य पदार्थ जो पेट में होते हैं उनको मूव करने के लिए या पुश करने के लिए मदद करता है। गर्म पानी सुबह पीने से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कुछ हद तक कम होते हैं। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, किडनी और लीवर की मदद करता है यदि हम पानी पीते हैं। ओवरऑल हाइड्रेशन वैसे भी मेंटेन करना चाहिए क्योंकि वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। यदि हम गर्म पानी सुबह पीते हैं तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। बॉडी की ओवरऑल बेसल मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करता है यदि हम गर्म पानी पीते हैं। इससे थोड़ा सा वजन कम करने में मदद मिलती है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसी को अगर प्रयोग करेंगे और यही सोचेंगे गर्म पानी पीने से वजन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको साथ में एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को थोड़ा सा ये इम्प्रूवाइज डेफिनेटली करता है, लेकिन इससे अकेले में अगर आप फ़ायदा लेने की कोशिश करें और आपको अगर ये मानते हैं कि इसी से वजन कम हो जाएगा तो ऐसा मुश्किल है। इसके अलावा इससे बॉडी का सर्कुलेशन थोड़ा इम्प्रूव होता है, बॉडी का थोड़ा ब्लड प्रेशर इससे इम्प्रूव होता है, ओवरऑल बॉडी अपने टिश्यूज़ में सर्कुलेशन को इम्प्रूवाइज कर पाती है यदि हम गर्म पानी को पीते हैं। हाइड्रेशन इम्प्रूव करता है यदि हम ज़्यादा मात्रा में गर्म पानी पीते हैं, तो ओवरऑल बॉडी को तरावट मेंटेन करने के लिए, टॉक्सिन्स को फ्लश करने के लिए, बॉडी को दिन भर का काम करने में मदद करने के लिए गर्म पानी अच्छा है। जिन लोगों को भी जुकाम का प्रॉब्लम है, नेजल कंजेशन है, उन लोगों के लिए भी गर्म पानी अच्छा है। नेजल कंजेशन को रिलीव करने में और नेजल पैसेजेस में यानी नाक के अंदर जो कंजेशन भरा हुआ है, सिक्रेशन भरे हुए हैं, उसमें भी जुकाम के टाइम मदद करता है यदि आप डेली गर्म पानी पीते हो तो। इसके अलावा गले में अगर किसी व्यक्ति को खराश है, गले में अगर किसी को सोर थ्रोट वगैरह हो रखा है, तो वैसे लोगों में भी ये मदद करता है यदि हम गर्म पानी पीते। साथ में अगर शहद और नींबू डाल के गर्म पानी लेते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी के गले में खराश या सोर थ्रोट का प्रॉब्लम है तो उनकी मदद करता है। इसके अलावा थोड़ा सा बॉडी को भी रिलैक्स करने का काम करता है। यदि हम इसको बेवरेज की तरह से लेते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी कम करता है और बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करता है यदि हम मॉर्निंग में गर्म पानी पीते हैं तो। अब बात करेंगे इसके नुकसान क्या है। ज़्यादा गर्म पानी पीने से डेफिनेटली आपके मुँह में छाले हो सकते हैं, मुँह को बर्न कर सकता है, गले में खराश हो सकती है, पेट की म्यूकोजा को बर्न कर सकता है। इसलिए पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा ही गर्म हो तो अच्छा है। इसके अलावा पेट के लिए डिस्कम्फर्टेबल हो सकता है। जिन लोगों को भी पेट दर्द का प्रॉब्लम है, यदि वो गर्म पानी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो पेट दर्द बढ़ सकता है। कुछ लोगों की टॉलरेंस अलग अलग होती है, कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता। इंडिविजुअल टॉलरेंस इसमें अलग अलग हो सकती है। तो हर व्यक्ति जिसको गर्म पानी का टेस्ट पसंद नहीं है या गर्म पानी पीने में अच्छा नहीं लगता, वो इसको पसंद ना करे, ऐसा हो सकता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को ये उतना अच्छा लगे। हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने के हिसाब से वैसे तो अच्छा है, लेकिन कई बार गर्म पानी पीने से बॉडी में स्वेटिंग बढ़ जाती है तो डिहाइड्रेशन थोड़ा सा इफेक्टिवली हो जाता है। और दूसरा, गर्म पानी अगर आपको प्यास ज़्यादा लगी उस टाइम पे आप पियोगे तो वो आपका गला उतनी जल्दी जो प्यास बुझती है वैसा इफेक्ट नहीं आता है जितना कि ठंडे पानी से आता है। तो प्यास बुझाने के हिसाब से भी गर्म पानी उतना अच्छा नहीं है। मेटाबॉलिज्म को डेफिनेटली बढ़ाता है, लेकिन आपको वजन इसी से आइसोलेटेड अगर सिर्फ गर्म पानी पियोगे तो इससे वजन कम हो जाएगा, वैसा नहीं है। इसके अलावा गर्म पानी पीने से कोई मिराकुलस क्योर हो जाएगा और सारी हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप सब चीज़ को भूल के सिर्फ गर्म पानी पी लोगे तो सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये आइसोलेशन में थोड़ा बहुत डेफिनेटली मदद करेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का प्रॉब्लम है, उनका एसिडिटी का प्रॉब्लम इससे बढ़ सकता है। उनको ठंडा पानी पीना चाहिए तो उस एसिडिटी न्यूट्रलाइज होती है। गर्म पानी पीने से ज़्यादा एसिड पेट में बनता है तो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके अलावा थोड़ी स्वेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। कई लोग पीने के हिसाब से गर्म पानी को प्रेफर नहीं करते, ठंडे पानी को ही प्रेफर करते। तो वैसे लोगों में अगर आप गर्म पानी को बहुत ज़्यादा अगर प्रमोट करने की कोशिश करोगे, कुछ लोग खासकर मेरे जैसे लोग को हम गर्म पानी बिल्कुल ही नहीं पी सकते, तो अगर वैसे लोगों में आप ज़बरदस्ती गर्म पानी पिलाने की कोशिश करोगे तो लोग पानी पीना ही कम कर देते, वो अवॉइड करने लगते हैं, तो वो भी एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है।
तो बेसिकली हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि गर्म पानी, वैसे तो अगर आपको टेस्ट पसंद है और आप पीना चाहते हो तो अच्छा है, ओवरऑल पर्पज़ ये है कि पानी जाना चाहिए मॉर्निंग में, पानी अगर जा रहा है चाहे गर्म चाहे ठंडा अच्छा है, मेटाबॉलिज्म को डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ाता है, लेकिन आइसोलेटेड में अपने आप में वजन कम नहीं करता, तो वजन कम करने के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम जिनको है, खासकर कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिन लोग को एसिडिटी है, गैस का प्रॉब्लम है, या जिन लोग को पेट दर्द का प्रॉब्लम है, उनके लिए बुरा है। तो ओवरऑल गर्म पानी आपको पीना चाहिए यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है, या यदि आपको वजन कम करने में थोड़ी मदद चाहिए, या गले में कोई इन्फेक्शन है, तरावट है, नेजल कंजेशन है का प्रॉब्लम है, गले में इन्फेक्शन, सोर थ्रोट, फारेंजाइटिस वगैरह, तो आपको पीना चाहिए। पर अदरवाइज हाइड्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा, ठंडा पानी भी पिए। अगर आपको ठंडा पानी ज़्यादा पसंद तो चलेगा, बहुत ज़्यादा सिर्फ पानी गर्म होगा तो ही फायदा करेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया गर्म पानी सुबह पीने के फायदे और नुकसान के बारे में। बेसिकली ये थोड़ा हाइड्रेशन इंप्रूव करता है, गले में इन्फेक्शन या तरावट को का प्रॉब्लम है या सोर थ्रोट वगैरह उसमें मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है, हाइड्रेशन इंप्रूवाइज करता है। नुकसान ये है कि बर्न्स अगर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पियो, पेट में दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, किसी किसी व्यक्ति को नहीं टेस्ट पसंद आता है तो वो पानी पीना ही कम कर सकता है, पेट में रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो सकता है, और अपने आप में ये बहुत ज़्यादा वजन कम नहीं करता है, कोई मिराकुलस क्योर नहीं है, बाकी सब चीज़ों के साथ ही आप इसको प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।